Hey guys, welcome to another video of Airsoft Gun India. Airsoft Gun India के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है. आज का जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा होने वाला है, थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग डिमांड करते हैं कि फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाइए ताकि इसके बारे में सब कुछ पता हो जाए, इसके प्रो, इसके कॉन, सब कुछ. और अगर आप सिर्फ फायरिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने इसका वीडियो बना रखा है, तो आप जाकर के हमारे ही यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं. और जिन्हें सिर्फ ऑर्डर करना है, उसका प्रोसेस जानना है, तो बहुत सिंपल है गाइस. डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, क्लिक करिए, वेबसाइट पर जाइए और उस पर जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हैं अगर ये स्टॉक में है तो, क्योंकि स्टॉक बहुत कम होता है और जनरली आउट ऑफ स्टॉक होता है. तो अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो आप ऑर्डर नहीं कर सकते हैं. डिपेंड कि आप वीडियो कितने साल बाद देख रहे हैं, अभी तो स्टॉक में है. तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें. तो आज जो गन है इसके बारे में बात करने वाले हैं. थोड़ा वीडियो लंबा होगा और बहुत सारी बातें होंगी. जिन लोगों को बातें या फिर ज्ञान नहीं सुनना है तो वो स्किप कर सकते हैं वीडियो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. तो गन का नाम है गाइस डैन वेसन 715 इंच रिवॉल्वर. आप देख सकते हैं ये इसका नाम है डैन वेसन का लोगो है. ये कंपनी कौन सी कंपनी है जो इसे बनाती है, इसको कहते हैं एक्शन स्पोर्ट्स.com. इसकी वेबसाइट आप देख सकते हैं, ASG के नाम से इसको जो जानते हैं. और ये डेनमार्क की कंपनी है एक्शन स्पोर्ट्स, और इनका जो है ऑफिस USA में है. आप देख सकते हो उसके ऊपर लिखा हुआ है एक्शन स्पोर्ट्स डेनमार्क. अगर कैमरा ढंग से फोकस कर पा रहा है तो आप देख सकते हैं डेनमार्क का है, और इसका ऑफिस USA का भी इस पर दिया होगा आई गेस. कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा अगर आप देखोगे तो. वन ऑन वन स्किल, चलो मैं अंदर दिखाऊंगा मैनुअल के ऊपर, इसके अंदर ज़रूर होता है. क्योंकि ये देखो, आप देख सकते हो मेड बाय एक्शन स्पोर्ट्स अंडर द लाइसेंस ऑफ डैन वेसन फायरआर्म्स USA. तो डैन वेसन फायरआर्म्स USA में भी इन्होंने ऑफिसेज अपने उसमें भी खोल रखा है, तो इसका एक लंबा प्रोसेस है. अब हम बॉक्स के बारे में बात करते हैं. इसका बॉक्स जो है कार्डबोर्ड का बनाया जाता है, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया ये बहुत सस्ती मिलती है, तो उसके पैकेजिंग पे ये बहुत पैसा नहीं खर्च कर सकते. और इंडिया में तो हम ये सोने के भाव में खरीदते हैं. सोना भी सस्ता मिल जाता है बट ये उससे भी महंगा है, तो उसको थोड़ा अच्छे से ट्रीट करते हैं तो आप गन बॉक्स वगैरह भी खरीद सकते हैं. बट आता ये इस कार्डबोर्ड के पैकेजिंग में है. इसके ऊपर लिखा हुआ क्लियरली एयरगन कैलिबर 4.5 mm BB, जिसका मतलब ये BB फायर करता है. ये लोहे के छर्रे CO2 टाइप, मतलब इसमें CO2 फायर होता है. ये है CO2, आप देख सकते हो मेरे पास उमरेक्स का CO2 है. इसके ऊपर और आप डिटेल देख सकते हो. इससे इंडिविजुअल सीरियल नंबर, मतलब इस गन के ऊपर इंडिविजुअल सीरियल नंबर आता है. हर एक गन का अपना सीरियल नंबर है. 6 cell स्पीड लोडर है. मैं जनरली इसे स्पीड लोडर कभी यूज़ नहीं करता हूँ. कंफर्टेबल रबर ग्रिप, इसके ऊपर रबर की थोड़ी सी ग्रिपिंग की गई है. NCO2 टूल इन ग्रिप, तो ये सारी इसकी बात है. आप यहाँ देख सकते हो स्टील भी है. 4.5 mm है, फुल मेटल है, ईजी लोड है. अब हम बात करते हैं 4.5 mm क्या इसके लिए लाइसेंस लगता है. तो इंडिया में रूल के अनुसार 4.5 mm के लिए या 0.177 के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये एयरगन है, आप इसे रख सकते हो, यूज़ कर सकते हो लीगली. अब हम इस गन के बारे में बात करेंगे. ये गन है सब ब्रांड न्यू, आप देख सकते हो, और ये इसका मैनुअल है. हम पहले मैं आपको मैनुअल पढ़ के दिखाने वाला हूँ, इसके अंदर डिटेल दिखाता हूँ क्या क्या है, देन विल गो फॉर द गन, क्योंकि ये डिटेल वीडियो है. आप देख सकते हो इसके अंदर थोड़ी सी डेनमार्क की भाषा लिखी है, फ्रेंच लिखी है, आई डोंट अंडरस्टैंड द शिट, बट जो भी लिखा है लिखा हुआ, रीड थ्रू द मैनुअल बिफोर यूज़. तो जब भी आप कोई भी गन खरीदते हो या फिर कुछ भी खरीदते हो, कार खरीदते हो, फ़ोन खरीदते हो, हम लोग मैनुअल को उठा के फेंक देते हैं, हम कभी मैनुअल को पढ़ते नहीं हैं. एक प्रो टिप, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो ऑलवेज रीड अ मैनुअल. ये आपको बाकी लोगों से ज़्यादा नॉलेज बना देगा और आपको गन्स के बारे में ज़्यादा, किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा इन डेप्थ. मैनुअल वैसे ही प्रिंट नहीं करते हैं, कुछ रीज़न होता है उसके लिए प्रिंट करते हैं. आप देख सकते हो उसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रंट साइड. ये फ्रंट साइड है, ये सिलेंडर है, ये रियर साइड है, सेफ्टी है, ट्रिगर है, सर्कल रिलीज बटन है, CO2 कवर हैंडल है. इस पर लिखा हुआ है कि इट्स नॉट अ टॉय, एयरगन एयरगन होता है, इससे किसी को हर्ट ना करिए. बाकी इसके ऊपर वार्निंग लिखा हुआ है कि आंखों पे किसी के मत मारिए, चश्मा पहन के यूज़ करिए, किसी के चेहरे पे मत मारिए, किसी इंसान के तरफ मत मारिए, खुले में प्रैक्टिस नहीं करिए, सेफ़ जगह पे करिए जहाँ किसी को लग ना जाए, इधर उधर निशाना ना लगाएं.
और ज़्यादा अपने आप को चौधरी बनने की कोशिश ना करें, इससे गन्स को खोलने की कोशिश ना करें, इंजीनियर ना बने गन्स के साथ, यू डोंट नो एनीथिंग, आप इस गन को बर्बाद कर दोगे। इंडिया में तो मैं कभी रिकमेंड ही नहीं करता, बाहर तो आप चलो फिर भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे तो ख़राब हो गया तो ख़राब हो गया। फिर इसके सेफ्टी के बारे में बताया गया है ऑपरेशन मैनुअल में, CO2 कैसे लोड करते हैं, CO2 कैसे डालते हैं, इसको अनलॉकिंग का सिस्टम क्या है, स्क्रू करने का कैसे है, स्पीड लोडर कैसे यूज़ करते हैं, बीबी कैसे लोड कर सकते हो आप इसके अंदर, और इसका मैकेनिज्म कैसे चलता है, जस्ट इन केस आपको रियर साइड एडजस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, वो कैसे यूज़ करना है, अपसाइड डाउन है, एसेसरीज जो आप खरीद सकते हो, ये सब आपको नहीं मिलता इंडिया में। अब आता है टेक्निकलिटी पे, इसके वो टेक्निकलिटी है आप बैक साइड पे देख सकते हो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कंपनी एक्शन स्पोर्ट्स का, है ना, ये है डेनमार्क के अंदर, और यहाँ पे कहीं ना कहीं यूएसए का, ये ऊपर देख सकते हो लाइसेंस बाय यूएसए है, ट्रेडमार्क जो है यूएसए में इन्होंने करा रखा है। अब बात करते हैं इसकी टेक्निकलिटी के बारे में, इसका जो लेंथ है वो 210 mm का है, इसकी जो पूरी लंबाई 210 mm है, वज़न इसका 1000 ग्राम है, मतलब 1 किलो का इसका वज़न है, 4.5 mm की ये बीबी है, ये लोहे के छर्रे 4.5 mm के हैं, 6 गोलियाँ पड़ती है इसके अंदर तो 6 लिखा हुआ है। मटेरियल जो है ये मेटल और रबड़ का है, रबड़ बेसिकली हल्की सी ग्रिपिंग की गई है, बाहर मैं आपको दिखाऊंगा क्या है। पावर इसका 1.8 जाउल है और इसकी वेलोसिटी जो है वो 328 fps, मतलब 100 मीटर पर सेकेंड है, तो ये बुलेट 1 सेकेंड में 100 मीटर जा सकता है, और ये है, और लोग सोचते हैं यार 1.8 जाउल तो बहुत कम है, लेकिन गाइस 1.8 जाउल बहुत ज़्यादा होता है, कभी चला के देखेंगे तो मालूम पड़ेगा बहुत पावरफुल होता है। अब हम मैं आपको एक गन दिखा रहा हूँ, ये रहा गन, लेट्स सी द बॉक्स, बॉक्स खोल के देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है, कैसा है, ये बॉक्स आता है आप देख सकते हो, ये कार्डबोर्ड है इन्होंने बनाया हुआ है, और इसको हम अंदर डालते हैं। ये स्पीड लोडर, स्पीड लोडर बेसिकली क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, कि बहुत से लोग स्पीड लोडर के बारे में बात करते हैं, एंड आई थिंक अगर आपके पास गन है तो आप इसे लीजिए, एंड स्पीड लोडर को कभी यूज़ करने की मेरे ख्याल से तो ज़रूरत नहीं है, करोगे फिर इसको बनाओ, इसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, इसके स्पीड के जगह पे सबकी स्पीड को और कम कर दे। दूसरा, अगर आपके हाथ से सेल वगैरह जंप हो गया, गिर गया, तो भी दिक्कत है। बेसिकली फंडा क्या है कि आप ये लेते हो, इसके अंदर डालेंगे लाइक दिस, प्रेस करिए, एक साथ लोड हो गया, बट पहले आपको इसके अंदर लोड करना पड़ेगा, फिर बीबी करना पड़ेगा, दस बेसिकली स्लो लोडर तो ये स्पीड लोडर नहीं है, आई जनरली डोंट यूज़ इट। मुझे अगर क्या है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो कोई बात है, बट हमारे पास आपको पता है इंडिया में बहुत सारे सेल्स मिलते नहीं हैं, और रिवॉल्वर टू बी वेरी फ्रैंक कोई बहुत ज़्यादा रैपिड फायर के लिए इस्तेमाल नहीं करता, इट्स मोर ऑफ दिखाने के लिए, कलेक्शंस के लिए, और इंडिया में तो हम इसके कलेक्शंस के लिए ही खरीदते हैं, इससे कोई टारगेट प्रैक्टिस तो करता नहीं है। अब ये है सेल, लेट्स टॉक अबाउट सेल, सेल के अंदर बीबीज कैसे लोड होते हैं। तो ये आपका जो है बीबी है, आप इसे लेते हो एंड यू पुश कर देते हो, तो ये इसके अंदर चला जाता है, मैं इसको पुश नहीं करने वाला पूरा, क्योंकि फिर इसको मुझे फायर ही करना पड़ेगा। तो ये रबड़ का बना होता है, और जब आप CO2 फायर करते हो इसके प्रेशर से गोली बाहर निकलता है, इट्स वेरी पावरफुल। CO2 सिलेंडर जो है इसके अंदर जाता है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कहाँ जाता है, और आप उसे फायर करते हो। दिस इज़ बेसिकली अ वेरी नाइस टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा लगता है, आप ये बुलेट की तरफ फील देता है, इट लुक्स वेरी नाइस, मेटल का है तो आप इसे टारगेट प्रैक्टिस के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, और हिट करने के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसकी कुछ बातें जो यूनिक हैं, जो अच्छी हैं, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट तो इसका ओपनिंग का मैकेनिज्म बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, आप इसको यहाँ से प्रेस करते हो और तो आप इसे बाहर निकालते हो, मतलब ये लॉक्ड है, जो उसे वापस लगाना है तो भी सेम है, इसको यहाँ से प्रेस करके लगाना है, दिस इज़ वेरी नाइस सेफ्टी, ऐसे आपको कभी खुल नहीं सकता। सेकेंडली यहाँ पे सेफ्टी है, आप देख सकते हो वेरी नाइस, अभी सेफ्टी खुला हुआ है, लॉक कर दिया तो ये चलेगा नहीं, तो वेरी गुड, सेफ है, बहुत अच्छा है। साइट एडजस्टेबल है, आप चाहें तो इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर से इसको पीछे करिए, इसको आप साइट को एडजस्ट कर सकते हैं। बैक इसका जो है, रियर साइट एडजस्टेबल है, फ्रंट साइड लॉक्ड है, आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास स्कोप है, रेल है, स्कोप लगा सकते हैं, बट आप देख सकते हो इसके ऊपर प्रॉपर रेल नहीं बना हुआ, ना ही गन के साथ एक्स्ट्रा रेल आया है, दूसरे के आता है बट इसके ऊपर, लेकिन जनरली रिवॉल्वर के ऊपर कौन यू नो गाइस लगाता है स्कोप एंड ऑल, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। सामने से भी काफ़ी अच्छा लुक है, ऐसा नहीं है छोटा होल है, प्रॉपर गोली की तरह दिखने वाला काफ़ी अच्छा खासा बड़ा यू नो होल बनाया गया है, तो इसका लुक काफ़ी अच्छा है दिखने में, आप देख सकते हो सामने से सही फीलिंग देता है, अंदर गोलियां रहती हैं तो भी अच्छा दिखता है। गुड, अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि हाउ डू यू ओपन दिस गन, इस साइड से खुलेगा और
कैसे आप इसके अंदर यू नो CO2 यूज़ करते हो, तो आप बेसिकली इसको पुल करते हो, ये ऊपर आ जाता है और यहाँ CO2 जाता है। जनरली पहले आपको एलन की एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ता था, बट अब एलन की कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये लीजिए और इसे पुश करके इसे यहाँ से घुमाइए, जो सब कुछ सेल्फ कंटेन्ड है, ये खुल जाएगा। और अच्छी बात आप देख सकते हो उसके अंदर डिटेलिंग में कि ये पूरा मेटल का है, ये अंदर भी मेटल है, सिर्फ उसके ऊपर से रबर की फिनिशिंग की गई है, तो कि बहुत अच्छा है, बहुत सॉलिड बनाता है, इसका वजन को अच्छा खासा कर देता है। आप यहाँ CO2 डालते हो और फायर करते हो, दोबारा से आप इसे टाइट करेंगे एंड यूज़ करेंगे। गन के लिए लंबी लाइफ के लिए आई कैन सजेस्ट यू समथिंग कि बाय पेलगन ऑयल। पेलगन ऑयल जो है रफली आपको 1000 रुपये का इंडिया में मिल जाएगा विद शिपिंग एंड ऑल, और एक पेलगन ऑयल आप 30-40 बार फायर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फायर करने के लिए मतलब 30-40 सिलेंडर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सस्ता है बट एंड इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। और बाई चांस अगर आप आउट ऑफ इंडिया कभी गए हो और वहाँ से ला रहे हो तो आपको और भी सस्ता पड़ेगा, और पेलगन ऑयल लाने में कोई ऐसा इशू नहीं है गाइज। तो दिस इज़ वॉट इट इज़, एंड आपको फायरिंग का मैंने आपको बता दिया, काफ़ी दूर तक जाता है। अगर आप मैनुअल वगैरह पढ़ते हो उसमें तो ये भी लिखा होता है कि 300-350 मीटर तक जो है कहीं ना कहीं लिखा होगा कि ये ख़तरनाक होता है। टू सी इसके अंदर कहीं मेंशन है, बट जनरली इसके ऊपर ये मेंशन करते हैं कि 300-350 मीटर तक ये डेंजरस होता है, तो थोड़ा केयरफुल रहने के लिए। तो इतना दूर तो चलो अब नहीं जाएगा गोली या फिर जाएगा पावर नहीं, बट स्टिल गन इज़ गन, यू हैव टू बी केयरफुल। बाय करने का प्रोसेस आपको पता ही है गाइस, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, क्लिक करिए, उस पर जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पर डिलीवर होता है, वी डिलीवर ऑल ओवर द कंट्री, एंड हम पेमेंट जो है क्रेडिट कार्ड से भी ले लेते हैं, बाकी बैंक ट्रांसफ़र तो है ही है, पेटीएम तो है ही है, एंड यू कैन डू ऑल काइंड ऑफ पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एवरीथिंग इज देयर। वी प्रोवाइड GST बिल, तो आपके पास अगर यू आर परचेसिंग इट ऑन कंपनी तो आपको GST सेटबैक वगैरह भी मिल जाता है, इज वन गुड थिंग। वी यूज़ वेरी पहले वी यूज टू यूज़ अदर पोस्टर्स, बट नाउ वी यूज़ प्रॉपर फेडेक्स डिलीवरी एंड बिग कंपनीज, तो आपको सिस्टम भी है, ट्रैक भी अच्छे से कर सकते हो, एंड यू नो वी आर वेरी ओल्ड इन दिस बिजनेस। तो थैंक यू सो मच गाइज, वी विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल। आप हमें फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, कुछ भी सवाल हो, सुझाव हो, कुछ जानना हो तो फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन, एंड वी आर कमिंग अप विद शूटिंग रेंजेस ऑल ओवर इंडिया। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू आर अ इन्वेस्टर, इफ़ यू हैव अ डीप पॉकेट, इफ़ यू वॉन्ट टू जस्ट इन्वेस्ट इन दिस ग्रोइंग बिजनेस, एंड वी वुड लव टू पार्टनर विद यू, आपके प्रपोजल सुनने के लिए हम यू नो ईगर हैं, ड्रॉप अस अ मेल, यू गुड गो टू द वेबसाइट एंड ड्रॉप अस अ मेल, वी वुड लव टू पार्टनर विद यू, वी वुड लव टू यू नो कोलैबोरेट विद यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव फन।